brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. मैम, आप अब जैसे ही चुनाव आती है, आप आई हैं, अभी लोगों से मिल रही हैं लगातार, कैसा अनुभव लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, बहुत खुश हूँ। मैं इस क्षेत्र को अच्छे से जानती हूँ, 20 साल से मैं महाराज के साथ इस क्षेत्र में घूम रही हूँ, ये पहला राउंड नहीं है मेरा, है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। महाराज लगातार सेवा करते हैं जनता की, आते हैं हमेशा, चुनाव लड़ते हैं, क्या भविष्य में आप भी सक्रिय भूमिका में आएंगे? मैं सेवा में 30 साल से लगी हूँ महाराज के साथ, तो काफी है ना। अब नाराजगी खत्म है पब्लिक से? 5 साल पहले आपकी नाराजगी थी, अभी आपने चंदेरी में बोला, क्या बोला? मैंने नाराजगी नहीं बोली, मैंने सत्य बोला था कि कोरोना के टाइम में जब उनको कोरोना था और इंटेंसिव केयर में थे, उन्होंने बोला मेरे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिला कि नहीं, तो इसमें तो क्या खराबी है? मतलब आपको लगा कि अभी इतने कोरोना टाइम में इतनी दिक्कत है? मैं डरती हूँ उनके हेल्थ के ऊपर ना, और मैं पूछना चाह रही थी कि आप कैसे हो, और वो मेरे को बोल रहे मेरे लोग कैसे हैं, तो वो है, वो ऑब्वियसली होगा कि मैं गुस्सा होके बोलूंगी, अरे पहले आपका बोलिए ना, है ना। अगर महाराज चुनाव जीतते हैं तो अब लगातार आप आते रहेंगे या 5 साल बाद ऐसे ही आएंगे? मैं कभी किसी को फोन करके नहीं आती, ना आपको ना इनको, ये इनको भी मालूम है, क्योंकि मेरा नाता इस क्षेत्र का बहुत अलग है, पॉलिटिकल नहीं है, पारिवारिक है, तो मैं जहाँ भी क्षेत्र में जाऊँ मैं फ़ोन करके या आप लोगों को फ़ोटो अपॉर्चुनिटी करके मैं कैसे काम करूँगी, कि मैं काम कर सकती हूँ, कि मैं फ़ोटो अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ, हाँ या ना, आप बताएंगे? आप आते रहते हैं क्षेत्र में लगातार? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, अभी आप जैसे महाराज के लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, तो ये जो है मोदी जी की योजनाओं को लेकर या महाराज ने जो काम किया उनको लेकर? दोनों, डबल इंजन बोला तो दोनों काम साथ में चलेगा ना। अपना काम कर रही हूँ जनता की सेवा के लिए अग्रसर हूँ। राहुल कुमार जैन, MP तक।